Good morning, students. Welcome back again to Srimati R.S. Kalyana Primary School, Junagadh online teaching videos. Today, in Standard 4th English, we are going to study about a very famous personality who happened to be born 140 years ago. So, she was born in 1880. United States of America in the state of Alabama. Her name Helen Keller. So let's know what was she as a child and as a child, a baby, a small baby, what happened to her and afterwards what was her story. Let's know. Okay. So before we begin, let's get to know about the new words in this lesson and their meanings. So let's start with the first one. Dearly. Here the meaning given for dearly is related to the story in this book. Okay. Dearly also has other meanings. But right now we will understand what it means in this story. With much loss or suffering at a great cost. बहुत ज्यादा नुकसान या कुछ सहन करना या तो at a great cost मतलब बहुत उसकी बड़ी कीमत चुकाना. That is the meaning of dear. Second one, often. Often means वारंवार. In Gujarati we say वारंवार. That is often, many times, frequently. तो बारंबार कोई चीज करते हैं हर. That's often. Number three, agreed, discussed and then accepted by all parties. किसी के साथ किसी की बात पे agree करने से पहले हम क्या करते हैं, उस बात पे हम चर्चा करते हैं, discussion करते हैं और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ उस बात पे किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, एक decision पर पहुंचते हैं और उस पे agree करते हैं कि चलो हाँ अभी ये बात है जो वो हम सब के लिए ठीक है, हम सब इस बात से राजी हैं. So that is the meaning of agreeing, right? Okay, let's read the story of Helen Keller and I will explain you the story while reading. You will enjoy her story very much. Even after 140 years, we still get inspired by her story. Why? We will see in this lesson. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Now, बहुत साल पहले, 140 साल पहले, 140 years ago, it was summer and a healthy baby girl, एक बहुत तंदुरुस्त healthy baby girl का जन्म हुआ. वहाँ पे एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से शहर में, अलाबामा स्टेट में, जो कि अमेरिका में है. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. तो dearly बहुत प्यार करते थे उसको, हेलेन केलर को, और उसका नाम रखा हेलेन और उसकी सरनेम क्या थी, केलर. तो हेलेन केलर. But one day, the baby became ill. तो एक दिन क्या हुआ, ये छोटी सी जो बच्ची थी, जिसका अभी जन्म कुछ महीनों पहले हुआ था, वो बीमार पड़ गई. Ill यानी बीमार. And day after day, her fever stayed high. तो दिन बर दिन बीतते गए और उसका जो बुखार है, fever है, वो high रहता था. कभी नीचे नहीं आ रहा था, बुखार जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था. तो बहुत दिनों तक उसको
उसको बुखार रहा, वो बीमार रही। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। सब ने कोशिश की हर तरह से कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसका बुखार चला जाए। मतलब हम डॉक्टर को भी बुलाते हैं, दवाई भी लेते हैं, उसके साथ बहुत सारे हम उपाय करते हैं जो कि घरेलू उपाय कहलाते हैं, राइट। दादी माना नुस्खा, वो घरेलू उपाय भी वो लोग कर रहे थे ट्राई कि कैसे भी करके उसका बुखार है, टेम्परेचर है, वो कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बट ऑल वी कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लीव। तो आखिर वो लोग कुछ और नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग बोले कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आगे इससे आगे हम और कुछ कर नहीं सकते, हम सारे उपाय कर चुके हैं। तो ये जो बेबी है छोटी सी हेलन, वो शायद जी नहीं पाएगी, वो शायद मर जाएगी। हेलन लिव, वो जिंदा रहे। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। वो अपनी बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं रही थी, कुछ डिफरेंट था उसमें। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर से उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है मेरी बच्ची के साथ, शी इज नॉट द सेम। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरकार उनको समझ में आया, पता चला कि क्या गलत था उस बच्ची के साथ। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, न वो देख पा रही थी न वो सुन पा रही थी। अभी तो छोटी सी बेबी थी, कुछ ही महीनों की बेबी उसकी उम्र थी, एक साल की भी नहीं हुई थी। और ये बीमारी की वजह से क्या हुआ, वो ना देख पा रही थी ना सुन पा रही थी। द बेबी ग्रियो इंटू अ लिटिल गर्ल, फिर वो बड़ी हो गई, जैसे जैसे एक छोटी सी बच्ची हो गई, 3-4 साल की 5 साल की। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत सॉरी थे, मतलब बहुत उदास थे और भगवान को प्रे कर रहे थे कि कैसे भी करके उसकी हेल्प करें। हेलन ऑफन क्राइड, वो बहुत बार हेलन रोती भी थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, अभी ना वो देख पा रही थी ना सुन पा रही थी, तो देख भी नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है उसके आसपास, सुन भी नहीं सकती थी, तो उसको कुछ पता नहीं था। वो सिर्फ अपनी मदर को ही, क्योंकि उसकी मदर है ना, उसके साथ रहती थी हमेशा, तो उसको ही चिपके रहती थी, उसके साथ ही उसको पकड़ के रखती थी हमेशा, मम्मी की ड्रेस पकड़ के या हाथ पकड़ के वो रहती थी। तो वो हमेशा अपनी मम्मी का हाथ या उसका ड्रेस पकड़ के उसकी मम्मी के साथ ही रहती थी और बहुत बार रो भी देती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। तो उसके पापा कहते थे कि अभी उस बच्ची को, बेचारी पुअर बच्ची, देख नहीं सकती सुन नहीं सकती, उसको जो चाहिए वो दे दो ना, उसको रुलाओ। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। वो देख नहीं सकती थी सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी वो बहुत स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी। तो ब्राइट लिटिल गर्ल, वो लिटिल यानी कि छोटी थी, पर वो बहुत ब्राइट स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की थी। Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोगों को लगा कि हेलन जो है देख नहीं सकती सुन नहीं सकती, तो वो क्या सीख पाएगी, वो कुछ नहीं सीख पाएगी। Her mother did not agree. उसकी मम्मी इन लोगों की बात से अग्री नहीं करती थी, उनकी बातों को नहीं मानती। उसकी मम्मी का मानना था कि हेलन जो है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो वो सीख सकती है जो भी हम उसको सिखा।
जल्दी से सीख सकती है. हेलेन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. तो उसकी मदर कहती थी कि हेलेन जो है ना वो स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट. द प्रॉब्लम ये है कि उस तक हम कैसे पहुंचे, ना वो हमें देख सकती है ना हमें सुन सकती है, तो उसको हम हमारी बात कैसे समझाएं. वो अपने अंदर अपने आप में एक जैसे कि बंद कमरे में हम अगर कैद हो जाते हैं, वैसे ही वो अपने आप में कैद हो चुकी है. मतलब ना सुन के समझ सकती है दुनिया को, ना देख के दुनिया को समझ सकती है, तो कैद हो चुकी है. मतलब उसको कुछ बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि सुनेगी हमारे शब्दों को तो वो बोल पाएगी, तो ही वो उसको कैसे बोलना है वो सीख पाएगी. तो उसकी मदर का ये मानना था कि वो सीख सकती है, बस सिर्फ हमें ज़रूरत है उस तक पहुंचने की, उसके अंदर तक पहुंच के उसको समझाने की. Helen began to grow wild. She would not let anybody comb her hair, her clothes were always dirty. तो अभी वो क्या होता है, कुछ पता नहीं है क्या है कैसे है, उसने अपने हेयर भी नहीं देखे है, अपने कपड़े भी नहीं देखे है. तो कैसा था कि उसके हेयर गंदे रहते थे, कॉम किसी को नहीं करने देते थे अपने बालों को, और कपड़े भी उसके गंदे रहते थे, और वो वाइल्ड बन गई. मतलब उस पर खुद का भी कंट्रोल नहीं रहा, वो कैसे भी कुछ भी करेगी, कुछ भी रो देगी, कुछ भी चिल्लाएगी, कुछ भी करेगी. चिल्लाने का मतलब है कि वो बोल नहीं सकती थी, पर उसके गले से आवाज़ निकल रही थी. शी वॉज ऑफन एंग्री, वो हेलेन हमें बहुत बार एंग्री भी हो जाती थी, गुस्से में भी आ जाती थी. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ के बाहर थी, तो गुस्सा आता था कि क्या है, कैसे है, क्यों है. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट, तो बहुत बार वो जमीन पे लेट जाती थी, वो जमीन पे लेट जाती थी और अपने पैर जो है वो जमीन पे पछाड़ती थी. तो दैट वॉज शी वुड बी डूइंग. आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा कि कभी कुछ गुस्सा हो रहा हो या किसी बात के लिए जिद कर रहे हो, मम्मी पापा ना बोल रहे हो, तो आप ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करते हो, है ना. तो वो भी वैसे ही करती थी आप लोगों के जैसा. हर पेरेंट्स थॉट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो उसके लिए कोई ऐसा अच्छा टीचर ढूंढते हैं जो कि उसको समझा सके, सिखा सके. मिस सुलत, मिस सुलीमा, अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. तो मिस सुलीमा करके एक यंग टीचर थी, एक यंग लड़की थी जिसने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की. तो शी अग्रीड, उसने हाँ बोला कि चलो मैं हेलेन की हेल्प करूँगी उसको ये जो दुनिया है उसके बारे में सिखाने के लिए, और वो मैं उस दुनिया को दिखाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी हेलेन को कि ये दुनिया कैसी है. मिस सुलीवान गेव हेलेन अ डॉल, उन्होंने एक डॉल डिंगली, बराबर आप जान गए ना, हाँ, तो एक डॉल है वो हेलेन के हाथ में दी. फिर डी ओ एल एल ऐसा स्पेलिंग लिखा, कहाँ पे, हेलेन के हाथों पे. डी ओ एल एल स्पेल्स डॉल, शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, अपनी उंगलियों से उसने हेलेन के हैंड पे ये शब्द लिखा. She made the letters with special hand signs. उसने hand signs का use करते हुए एक ये word लिखा, special hand signs बनाए उसके लिए. Helen copied her
spelled doll. But she did not understand what she was doing. उसने कर तो लिया पर उसको समझ में नहीं आया कि उसने ये क्यों किया और ये क्या किया. Helen liked Miss Sullivan. उसको ये Miss Sullivan उसकी जो टीचर थी बहुत पसंद आई. She was strict but kind. वो strict थी पर kind भी थी, दयालु भी थी. She spelled a lot of words for Helen. उसने बहुत सारे शब्द हेलेन को सिखाए. On her hand, उसके हाथों में on her hand ये सारे शब्द उसको सिखाए. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. हेलेन को समझाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी. हेलेन के हाथ पे वर्ड्स लिखती थी उसको बताने के लिए, समझाने के लिए. One day, the teacher, her teacher made Helen put her hand into running water. उसने नल खोला और उस रनिंग वाटर में हेलेन का हाथ रखा. फिर क्या किया? Then she spelled water. Water. उसने वाटर का स्पेलिंग हेलेन के हाथों पे लिखा. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. तो उसने उस वक्त समझा कि ये वाटर क्या है, कुछ गीला यानी कि वेट है जो कि उसके हाथों पर से छू के बह रहा है. तो वो उसको समझ में आया कि इसको बोलते हैं वाटर, इस चीज का नाम है वाटर. तब जाके उसको ये बहुत सारे वर्ड्स जो अभी तक समझ में नहीं आए थे ना वो धीरे धीरे समझ में आने लगे. She understood that words were the most important things in the world. कि दुनिया में the सबसे ज्यादा जो important है, the most important thing पूरी दुनिया में वो क्या है? Words यानी कि शब्द. शब्द है जो सबसे important है दुनिया में. Words would tell her everything she wanted to know. ये जो वर्ड्स है, शब्द है, वो उसको सब कुछ बताएंगे. वो सब कुछ जो वो जानना चाहती है और वो सब कुछ जो इस दुनिया के बारे में है वो सब कुछ वो जान सकती है इन वर्ड्स की मदद से, इन शब्दों की मदद से. तो हेलेन का ये सबसे लाइफ का पहला लेसन था, वर्ड्स के बारे में जानना, वर्ड्स के इम्पोर्टेंस को जानना, है ना. तो यहाँ तक की हेलेन की स्टोरी हमने इस लेसन में पढ़ी. पर हेलेन की स्टोरी अभी तो यहाँ पे शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई. हाँ, हमारे टेक्स्ट बुक में खत्म हो चुकी है पर इसके आगे अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई है कि अभी उसने सीखना शुरू किया है और सीखने के बाद उस बात को समझना शुरू. अभी तो उसकी ये शुरुआत है कि उसने समझ में आया कि ये जो चीज़ मेरे हाथ से बह रही है, जो गीली है, वेट है, वो क्या है? वाटर है. और उसके साथ ही उसको बहुत सारी बातें समझ में आने लगी. और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हुआ अगर वो जानना चाहते हैं तो आपको हेलेन केलर की स्टोरी जो है वो इंटरनेट पर भी मिल जाएगी. लाइब्रेरी में भी बुक्स बहुत सारी होती हैं, वहाँ पे भी आपको हेलेन केलर की पूरी लाइफ की स्टोरी मिल जाएगी. और उसकी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है आप जानोगे तो आप समझ पाओगे कि एक लड़की जो न देख सकती है न सुन सकती है वो कैसे क्या अचीव करती है और कैसे अचीव करती है, कैसे इस दुनिया के बारे में जानते हैं और क्यों उसकी लाइफ जो है हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए और डेफ लोगों के लिए पर बाकी हमारे जैसे नॉर्मल
अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना है, हमारा प्रोग्रेस करना है, सक्सेस पाना है, तो वो हम सब कर सकते हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो और आप सक्सेस पाओगे, प्रोग्रेस करोगे। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देती है हमें कि अगर एक लड़की ना देख सकती है, ना सुन सकती है, वो बहुत कुछ पा सकती है, तो हम तो नॉर्मल हैं, हमारे पास ये सारी शक्तियाँ हैं, तो हम सब कुछ पा सकते हैं लाइफ में अगर डिसाइड कर ले और उसके पीछे बहुत मेहनत करें तो। ठीक है, हार के कभी नहीं बैठना है। ओके, तो आगे हम देखेंगे एक्टिविटीज जो कि इस लेसन में है। तो किड्स, आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटीज? ओके, सो ऑन पेज 84 द फर्स्ट वन इज लेट्स टॉक। चलो बात करें। क्या बातचीत करेंगे? अभी इस एक्टिविटी में हमें यहाँ पे जो पेज 85, पेज 86 और पेज 87 तक सारे अल्फाबेट्स के लिए जो हैंड साइंस बताई गई है पिक्चर्स में, वो हम देख के सीख सकते हैं। तो आप घर पे फ्री हो थोड़ा तो बुक निकालो और ये हैंड साइंस सीख लो और फिर मुझे आपको दिखाना है कि आपने क्या सीखा है। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको स्पेल करने के लिए, पर वो बोल के नहीं, हैंड साइंस का यूज करते हुए आपको करने हैं। ओके, तो वो आप सीख लो और करो। और क्वेश्चन 3, 4 and 5 आर गिवन इन वर्कबुक, तो उसके आंसर्स वहां पे लिखे हैं। देन वी हैव ऑन पेज नंबर 88 टीम टाइम एक्टिविटी to read the following sentences. 4 sentences are given. You have to read them. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she lay on the floor. Her parents never scolded her. So these 4 words are written in blue. Always, often, sometimes, never. Then here you have been given table, purple table below here it is given. वहाँ पे कुछ questions पूछे हैं और बाजू में 4 columns दिए हैं। पहली column है always, दूसरी often, तीसरी sometimes और चौथी never. तो आपको हर एक question को read करना है, फिर अपने आप से पूछना है। अभी तो आप घर पे हो तो अकेले होंगे, तो अपने आप से पूछना है कि क्या ये मैं करता हूँ, कब करता हूँ, हमेशा, ऑलवेज, तो ऑलवेज पे राइट टिक करो, ऑफन यानी कि हमेशा तो नहीं पर बहुत बार, बारंबार करो, छू दर हफ्ते में, हाँ तो दैट इज ऑफन। तो ऑलवेज नहीं करते हो पर ऑफन करते हो तो उस पर टिक करो। समटाइम्स, कभी कभी करता हूँ ऐसा आप सोचते हो तो वहाँ समटाइम्स पे टिक करो, और कभी नहीं करता हूँ ऐसा सोचते हो तो वहाँ नेवर पे टिक करो। ठीक है, चलो देखते हैं सारे क्वेश्चंस। हाउ ऑफन डू यू ए ओबे योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स को आप ओबे करते हो, उनकी सारी बात मानते हो? अगर हाँ हमेशा मानते हो तो ऑलवेज पे टिक करना, कभी कभी नहीं मानते हो पर बहुत बार मान लेते हो तो ऑफन पे टिक करना, और हमेशा नहीं मानते हो, कभी कभी ही मानते हो तो समटाइम्स पे, और कभी भी नहीं मानते हो तो नेवर पे, वेरी नॉटी चाइल्ड, कभी नहीं मानते हो तो। बी, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, या तो आपके जो नाना नानी हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, है ना, तो आप दादा दादी के साथ अगर रहते हो पर नाना नानी के साथ नहीं रहते हो, तो उनको, नाना नानी को कितनी बार विजिट करते हो? तो ऑलवेज यानी कि मतलब हमेशा बार विजिट करते हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ,
बचपन हो सकता है, नेवर भी नहीं हो सकता है कि मम्मी लेके जाती है, नाना नानी आप लोगों को याद करते हैं तो, राइट? फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर, ये फाइटिंग तो दिन में कितनी बार होती है? हाँ, दो तीन बार, कभी कभी। चलो जिसका जो आंसर है वो टिक कर लो। हमेशा लड़ते रहते हो तो ऑलवेज पे टिक करो कि हर बात पे लड़ते हैं। How often do you help others? दूसरों की मदद कितनी बार करते हो? मतलब कि प्रयत्न करते हो कि जितनी बार हो सके उतनी बार मदद करें, कभी नहीं करते हो, कब करते हो? ये आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे टिक करना। Next question is, how often do you help others? हमेशा हेल्प करते हो, बहुत बार हेल्प करते हो, कभी कभी हेल्प करते हो या कभी भी हेल्प नहीं करते हो? चलो आपका जो भी आंसर है आप इसमें टिक कर लो। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, अभी कुछ कचरा किया है आपने, जैसे कि पेंसिल शार्पन की है या कागज के टुकड़े किए है या ऐसा कुछ भी है, तो आप डस्टबिन में डालते हो? अच्छा, हर बार डालते हो तो ऑलवेज भी टिक करना। और आपको पता है often, sometimes, never क्या करते हो तो टिक करो। Switch off the lights when you go out of the room, जब आप रूम के बाहर जाते हो और आपके निकलने के बाद दूसरा कोई रूम में नहीं है, रूम बिल्कुल खाली है, तो आप लाइट्स पंखे वगैरह सब स्विच ऑफ कर देते हो कि चालू ही रख के चले जाते हो कि भले ही कमरा खाली है, खाली कमरे को भी लाइट और पंखा तो चाहिए, ऐसा सोच के निकल जाते हो, परवाह नहीं करते हो। क्या करते हो? आंसर लिखो यहाँ पे। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, तो आप पानी का नल खुला छोड़ देते हो जब आप ब्रश करते हो अपने टीथ को। क्या करते हो? सोचो, याद करो और फिर लिखो। टेयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, नोटबुक में से पेज तो फाड़ते हो ना, जैसे ही टीचर ने कहा चलो बुक्स निकालो। मैम आई फॉरगॉट माय सीरियल, आपका फ्रेंड तुरंत ही प्यार से नोटबुक में से पेज फाड़ेगा और आपको देगा ये ले पेज, वो भी फेयर बुक में से, राइट? ऐसा नहीं कि रफ बुक में से निकालते हैं, तो ये पेजेस नोटबुक में से फाड़ने की आपको पुरानी आदत है, तो हमेशा करते रहते हो, मुझे पता है, कोई झूठ नहीं लिखेगा, सब सच सच ही लिखना कि ये क्वेश्चन तो मुझे पता है। और ये लाइट्स वाला क्वेश्चन भी है ना, वो भी मुझे पता है कि क्लासरूम से बाहर जाते हो पीटी में, लाइब्रेरी में, म्यूजिक में, कहीं पे भी रिसर्स में, और क्लास खाली, लाइट्स चालू, पंखे चालू, सब छोड़ छाड़ के चले गए, अब ऐसा नहीं करना है, ओके? अब से ध्यान रखना। सो नाउ ऑन पेज 89 लेट्स मेक समथिंग, चलो कुछ बनाते हैं। फ्रॉम ओल्ड न्यूज पेपर्स और ओल्ड मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज और रिपोर्ट्स ऑफ करेजियस चिल्ड्रन, क्या करना है? जो न्यूज पेपर्स है, मैगजीन्स है, पुराने हो चुके हैं, मतलब घर वालों ने सबने पढ़ लिए है वो वाले, उसमें कुछ स्टोरीज होगी या कुछ रिपोर्ट्स लिखे होंगे किसके बारे में? करेजियस, ब्रेव, बहादुर बच्चों के बारे में, हिम्मत वाले बहादुर बच्चों के बारे में लिखे हो, वैसी स्टोरीज को कलेक्ट करना है, वैसे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है, तो उसको अच्छे से काट लो उस स्टोरी को और फिर अपनी स्क्रैप बुक में आप उसको लगाओ। और क्या करना है? उस स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर बनाना है, ठीक है? कि क्या स्टोरी में बताया गया है, क्या किया है ऐसा काम बहादुरी वाला, तो उस बहादुरी को बताते हुए आपको पिक्चर बनाना है। और दूसरी बात, टॉक अबाउट द स्टोरीज, तो ये जो आप स्टोरीज पढ़ते हो उसके बारे में बात करो। अभी आप किससे बात करोगे? हाँ, घर में आपके घर वालों से, आपके फैमिली मेंबर्स से बात करोगे,
बैठ के बात करना, या तो फोन पे बात कर सकते हो किसी फ्रेंड्स के साथ कि मैंने ये वाली स्टोरी पढ़ी है इस बच्चे के बारे में, उसने ये किया है, आपने क्या पढ़ा है, तो ये डिस्कशन कर सकते हो। आप पर फोन करने से पहले देख लेना, मम्मी पापा की परमिशन लेकर फोन करना, ठीक है? ओके। फिर एक छोटी सी यहाँ पे रीडल पोयम दी है, पोयम है पर कैसी है, रीडल है, मतलब उसमें कुछ पूछा है हमें जो तो हमें जवाब देना है। गुजराती में इसको क्या बोलते हैं, उखाणा। हाँ वेरी गुड, तो वो पोएट्री के फॉर्मेट में लिखा होता है। तो व्हाट इज द टाइटल, प्रिटी पिग, लेट्स सिंग दिस टुगेदर। चलो, see you all next time. Have a good day. Bye bye.